आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ड के शॉर्टकट्स के बारे में। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं या आप किसी और जगह पे काम करते हैं और आपको वर्ड पे काम करने की आवश्यकता पड़ती है, तो आप जानते होंगे कि शॉर्टकट आपको कितना ज़्यादा सहायता प्रदान करता है। अगर आप वर्ड के शॉर्टकट जानते हैं तो घंटों के काम आप मिनटों में निपटा सकते हैं। फटाफट किसी काम को करने के लिए शॉर्टकट बहुत बेहतरीन तरीके हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको ए से जेड शॉर्टकट्स के बारे में बताने वाले हैं जो कंट्रोल की के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे और भी वीडियो चाहते हैं आप शॉर्टकट्स के बारे में तो कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिस्ट अप कर रखा है ए टू जेड शॉर्टकट को। यहाँ आप देख सकते हैं कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जेड तक दिए हुए शॉर्टकट। तो ये लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके अपने लिए सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन रुकें, अभी मैं इनका स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, जिससे आप समझ सकें कि एक्चुअली में ये शॉर्टकट करते क्या है। तो सबसे पहली बात करते हैं कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का काम होता है सिलेक्ट ऑल। जो कुछ भी आपने लिख रखा है, चाहे आपका डॉक्यूमेंट का पेज जो है 1 हो 2 हो 3 हो या 100,000 पेजेस हो, आप अगर कंट्रोल ए प्रेस कर देते हैं तो सिलेक्ट ऑल हो जाता है। अगर आप शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करते तो होम टैब पे रहते हुए आप लास्ट में यहाँ सिलेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल मिलता है। अगर इसे आप क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट ऑल हो जाता है। और जब आप इस पे माउस ला के रखते हैं तो आप देखते हैं इसका शॉर्टकट आपको नजर आता है कंट्रोल ए। यही है कंट्रोल ए। कहीं भी बाहर क्लिक कर दीजिए, आपका सिलेक्शन हट जाएगा। तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल ए करके तुरंत सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको माउस उतनी मूव करने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट की बात करें तो कंट्रोल बी। कंट्रोल बी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर रखा है उस पे बोल्ड फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा, और अगर बोल्ड फॉर्मेट लगा हुआ है तो वो हट जाएगा। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल बी मैं दबाता हूँ कीबोर्ड से, तो आप देखेंगे कि ये बोल्ड फॉर्मेट को हटा दिया, क्योंकि ये पहले से बोल्ड में था। फिर से वापस कंट्रोल बी दबाते हैं, ये देखिए बोल्ड फॉर्मेट लग गया। आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं कि होम टैब में हमें नजर आ रहा है बोल्ड, वापस क्लिक करते हैं तो बोल्ड हट जाता है, फिर क्लिक करते हैं बोल्ड लग जाता है। अगर आप बोल्ड पे माउस ला के रखेंगे आपको शॉर्टकट नजर आएगा कंट्रोल प्लस बी। ऐसे शॉर्टकट हर टूल्स के दिए हुए हैं, आप चाहें तो खुद भी इनका लिस्ट अप कर सकते हैं। और अगर उतनी परेशानी नहीं चाहते हैं कोई बात नहीं, इस फाइल का मैं डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा वीडियो के, वहां से आप क्लिक करके इसे डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों तो कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से कॉपी होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप कॉपी करना चाहते हैं, कोई भी टेक्स्ट कॉपी करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसके लिए मैं एक और फाइल ले लेता हूँ, ले लिया मैंने, और यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये वीडियो जो लिखा हुआ है इसे मैं कॉपी करना चाहता हूँ। तो मैंने सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबाया और जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ चाहते हैं तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, और कंट्रोल भी अगर हम कर देते हैं तो ये पेस्ट हो जाएगा। आगे जाके हम लोग कंट्रोल भी को भी देखेंगे। आप नीचे अगर आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट में नजर आएगा कि कंट्रोल भी का मतलब होता है पेस्ट टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो चलिए ऑब्जेक्ट के बारे में भी बता देते हैं। तो दोस्तों कुछ भी आप इसमें लेते हैं, जैसे शेप वगैरह लेते हैं, तो उन्हें आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैंने एक शेप ड्रॉ किया, और अगर इसे मैं क्लिक करने के बाद कंट्रोल सी करता हूँ, फिर वापस कंट्रोल भी करता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट को पेस्ट करता है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ऑब्जेक्ट पेस्ट होते जा रहे हैं। तो कंट्रोल सी से आप टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं और कंट्रोल भी से पेस्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। कंट्रोल सी हमने देख लिया, अब बात करते हैं कंट्रोल डी की। तो कंट्रोल डी क्या करता है, ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। आप जब भी किसी को सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक मिनी टूल बार यहाँ नजर आता है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको फॉन्ट का पूरा ग्रुप नजर आता है। ये देखिए ये जगह पे आपको फॉन्ट का पूरा ग्रुप नजर आता है जो कि होम टैब में नजर आता है। लेकिन दोस्तों फॉन्ट में जितने ज्यादा टूल्स हैं वो सब के सब हमें यहाँ नजर नहीं आते। अगर आप सारे के सारे टूल्स देखना चाहते हैं तो आप लॉन्चर पे क्लिक कर सकते हैं, और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल डी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। हम कंट्रोल डी अगर हम दबाते हैं हमारे सामने फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है, जहाँ पे हमें वो सारे ऑप्शन मिलते हैं फॉन्ट के जो यहाँ पे नहीं मिल पाते हैं। यहाँ से आप सब कुछ कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, और बाकी इफेक्ट्स जो हैं वो भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल ई। कंट्रोल ई क्या करता है, ये सेंटर अलाइन करता है। चलिए इसके लिए हम दूसरे फाइल को ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल ई का मतलब बताते हैं, जैसे ये
टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे अभी बीच में लिखा हुआ है, यही है सेंटर लाइन। अगर मुझे कुछ और सेंटर करना है, जैसे इसे मैं सेंटर में लेना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और कंट्रोल ई अगर हम दबाते हैं तो ये देखिए ये सेंटर लाइन हो गया, अर्थात बीच से मिला के लिख रहा है। इसी तरह अगर आप कंट्रोल एल दबाते हैं तो ये लेफ्ट अलाइन में चला जाएगा, देखिए लेफ्ट अलाइन आ गया। इनके शॉर्टकट्स आप देखना चाहें तो पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पे अलाइन मिलता है जिस पे आप माउस को रख के किसी के भी शॉर्टकट्स देख सकते हैं, कंट्रोल ई, कंट्रोल आर, कंट्रोल जे, ये सब यहाँ पे आपको नजर आते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, आपने सेंटर अलाइन समझ लिया, अब कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ एक कमाल का शॉर्टकट है दोस्तों, जो सिर्फ वर्ड ही नहीं बहुत सारे जगह पे इस्तेमाल आता है, जैसे आपके ब्राउजर पे भी इसका इस्तेमाल आता है। जब भी हमें बहुत सारे चीज़ों में से कुछ चीज़ों को सर्च करना रहता है अर्थात फाइंड करना रहता है, हम लोग कंट्रोल एफ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे रहते हुए आप कंट्रोल एफ दबाएं तो एक नेविगेशन पेन खुल जाएगा जहाँ पे आप जिस टेक्स्ट को खोजना चाहते हैं वो टाइप कर दें। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हम खोजना चाहते हैं ओपन, तो हमने लिखा ओ पी ई एन और आप देखेंगे जहाँ जहाँ ओपन है हमारे पेज में वहाँ वहाँ इसने सेलेक्ट कर दिया। ये इस तरह से फटाफट फाइंड कर सकता है। आप दूसरे जगह पर फाइंड का थोड़ा सा अलग डायलॉग बॉक्स पाएंगे, लेकिन कंट्रोल एफ से फाइंड का ही काम होगा। यहाँ पे आपको सारे के सारे फाइंड मिल जाएंगे, आप यहाँ से भी क्लिक करके नेविगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल तीन सर्च हुए हमारे पास, तीन जगह पे मिले हैं, तो जिसे आप क्लिक करेंगे आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। नेविगेशन को बंद कर देते हैं और अपने नेक्स्ट शॉर्टकट पे चलते हैं, कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का क्या काम है, तो ये गो टू का काम करता है जिसके द्वारा आप पेज पे पहुंच सकते हैं, बुकमार्क पे पहुंच सकते हैं, फुट नोट्स और ग्राफिक्स वगैरह में भी आप पहुंच सकते हैं। ये बहुत कमाल का शॉर्टकट है। अगर आपका बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और आप तुरंत किसी जगह पे नेविगेट होना चाहते हैं तो कंट्रोल जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कंट्रोल जी दबाया तो यहाँ पे देखिए गो टू में बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट और फुटनर वगैरह। तो आप जिस जगह पे पहुंचना चाहते हैं उसको ले लें। एग्जाम्पल के तौर पे हम लाइन लेते हैं और यहाँ पे हमने लिखा लाइन नंबर 6 या 7, चलिए 7 ले लिया हमने और गो टू किया तो हमारा कर्सर सीधा लाइन नंबर 7 पे पहुंच जाएगा। इसे क्लोज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर 7 पे हमारा कर्सर पहुंच चुका है। तो ये एक कमाल का शॉर्टकट है किसी चीज़ को तुरंत नेविगेट करने के लिए। कंट्रोल एच रिप्लेस का काम करता है, आप किसी चीज़ को सर्च करके उसे चुटकियों में बदल सकते हैं रिप्लेस कमांड के द्वारा। तो कंट्रोल एच प्रेस करते हैं, हमने कंट्रोल एच प्रेस किया और हमारे सामने डायलॉग बॉक्स आ गया। इसमें दोस्तों बाकी के भी डायलॉग बॉक्स हैं जैसे फाइंड का भी और गो टू का भी, तो तीनों भी आप एक साथ काम ले सकते हैं। फिलहाल हम लोग रिप्लेस पे चल रहे हैं तो रिप्लेस को हमने क्लिक किया और यहाँ पे कोई चीज़ हमने सर्च लिया और इसे अगर बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दिया। जैसे हमने ओपन लिया, मान लीजिए इसे हम क्लोज के द्वारा बदलना चाहते हैं तो CLOSE हमने टाइप कर दिया। अब यहाँ फाइंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमें वर्ड ने सर्च करके दिखाया कि यहाँ पे फाइंड है। अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो ये इसे बदल देगा। ये हमने क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओपन के जगह पे क्लोज आ चुका है। तो इस तरह से आप रिप्लेस का इस्तेमाल करके इसे चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे ओपन लिख देते हैं, नेक्स्ट चलते हैं तो आता है कंट्रोल आई। ये इटैलिक फॉर्मेट का इस्तेमाल करता है, अगर आप इसे सिलेक्ट करें और कंट्रोल आई अगर कीबोर्ड से दबाएंगे तो ये इटैलिक फॉर्मेट में हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं थोड़ा झुका हुआ, इसे ही इटैलिक फॉर्मेट कहा जाता है। अगर आप कंट्रोल आई दबाते हैं तो ये लग जाएगा और सिलेक्ट करके वापस कंट्रोल आई दबाएंगे तो ये हट जाएगा। कंट्रोल जे का इस्तेमाल करके आप अपने पैराग्राफ को जस्टिफाई अलाइन में ले सकते हैं। चलिए इसके लिए हम दूसरे पेज पे चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने सेंटर लगाया था, अगर हम इस पे जस्टिफाई लगाना चाहें तो क्लिक करेंगे और कंट्रोल जे दबा देंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई से क्या होता है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ इक्वल हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे अभी हम इसे लेफ्ट ले लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ थोड़ा सा कटा हुआ है दोस्तों, ध्यान से देखें तो ये और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे ये एक सीध में नहीं है, जबकि हमने जस्टिफाई किया था तो ये तीनों एक सीध में आ गए थे। इसी को कहते हैं जस्टिफाई करना। नेक्स्ट में आते हैं, इसके बाद है कंट्रोल की। इसका इस्तेमाल होता है हाइपरलिंक के लिए। अगर आप किसी टेक्स्ट पे चाहते हैं कोई लिंक अर्थात उस पे क्लिक करें और दूसरे जगह पे पहुंच जाएं तो उसे हाइपरलिंक बोलते हैं। उसका अगर आप लिंक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कंट्रोल के का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ लगाता हूँ कंट्रोल की, तो मैंने कंट्रोल के क्लिक किया, ये देखिए हमारा इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। अब जिस पे भी मैं क्लिक कर दूं उस पेज के साथ या उस ऑब्जेक्ट के साथ ही इसे लिंक कर देगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं इसी पेज में लिंक करना तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, जैसे इसे मैंने क्लिक किया और फॉर एग्जाम्पल मैं इसे ले लेता हूँ, हेडिंग पे लिया मैंने और
टॉप ऑफ डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिंक आ चुका है। अब यहाँ जैसे आप माउस लाएंगे तो ये बोलेगा कि कंट्रोल के साथ क्लिक करने पे आप लिंक को फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल क्लिक किया, अब ये हैंड में बदल चुका है। अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो हमने लिखा था डॉक्यूमेंट के टॉप पे पहुँचने के लिए, ये देखिए टॉप पे पहुँच गए। तो आप एक पेज पे भी लिंक लगा सकते हैं और एक्सटर्नल किसी दूसरे पेज को भी आप लिंक में सेट कर सकते हैं। तो कंट्रोल के द्वारा क्या होता है ये समझ गए। अगर हटाना रहे तो सिंपल है, इसे सिलेक्ट करें, इस पे राइट क्लिक करें और यहाँ आपको रिमूव का ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए रिमूव हाइपरलिंक है, इस पे क्लिक कर दीजिए तो ये हाइपरलिंक को रिमूव कर देगा। कंट्रोल एल, इससे आप लेफ्ट अलाइन लगाते हैं। लेफ्ट अलाइन के लिए फिर वापस आ जाते हैं पैराग्राफ वाले। हमने ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी ये लेफ्ट में ही है। अगर हम राइट लगा देते हैं तो ये देखिए राइट साइड से इसने इक्वल कर दिया, लेफ्ट साइड इसने इक्वल छोड़ दिया। अगर हम चाहते हैं कि लेफ्ट साइड से ये एकदम बराबर हो, एक सीध में हो, तो हम लोग कंट्रोल एल दबाएंगे। तो इसके लिए क्लिक कर देंगे पैराग्राफ पे और कंट्रोल एल दबाएंगे कीबोर्ड से तो ये लेफ्ट अलाइन पे आ जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल एम। कंट्रोल एम क्या करता है, इंडेंट लगाता है, यानी पैराग्राफ पे इंडेंट आप लगा सकते हैं। चलिए इसके लिए हम दूसरे पेज पे चलते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे रख के अगर हम कंट्रोल एम प्रेस करते हैं तो ये इस तरह से इंडेंट बढ़ा देता है। ये चीज आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इंक्रीज इंडेंट कर सकते हैं और डिक्रीज इंडेंट कर सकते हैं। तो कंट्रोल एम से आप पैराग्राफ में इंडेंट लगा सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, कंट्रोल एन क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आप कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो जो काम आप फाइल में जाने के बाद, न्यू में जाने के बाद ब्लैंक पे क्लिक करके करते हैं वही काम आप सीधा कंट्रोल एन दबा के कर सकते हैं। कंट्रोल एन दबाइए और आपके सामने एक न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। जैसे कि अभी हमारे सामने एक न्यू डॉक्यूमेंट आ गया, इसे हम क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ का इस्तेमाल होता है बने हुए फाइलों को वापस ओपन करने के लिए। इसके लिए कंट्रोल ओ दबाने पे आपके सामने ओपन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये देखिए ओपन का ऑप्शन आ गया। यहाँ से आप अपने रिसेंट फाइलों को ले सकते हैं या तो फिर ब्राउज पे क्लिक करके आप डायलॉग बॉक्स ओपन कर लें और वहां से भी ले सकते हैं। यहाँ से हम बैक हो जाते हैं। कंट्रोल पी प्रिंट का काम करता है। कंट्रोल पी जब आप दबाते हैं तो आपको प्रिंट ऑप्शन मिलता है। ये देखिए प्रिंट ऑप्शन एक्टिव हो गया, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, बैक हो जाते हैं। इसके बाद आता है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू क्या करता है दोस्तों, ये पैराग्राफ में जो आपने इंडेंट का फॉर्मेटिंग लगा रखा है उसे रिमूव कर देगा। जैसे यहाँ पे अभी हमने एक लगा रखा था, इसे हम लगा देते हैं और इसे अगर मुझे रिमूव करना हो तो कंट्रोल क्यू अगर हम दबाएंगे तो ये इंडेंट जो हमने लगा रखा था वो इसे रिमूव कर देगा कंट्रोल क्यू के द्वारा। नेक्स्ट में चलते हैं। कंट्रोल क्यू के बाद है कंट्रोल आर। ये राइट लाइन का काम करता है, जैसे यहाँ पे हमने रखा। चलिए दूसरे वाले में चलते हैं और यहाँ पे क्लिक करके हमने लिया कंट्रोल आर तो ये देखिए राइट लाइन में चला गया। आपको स्पेस के द्वारा उतनी दूर ले जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा कंट्रोल आर दबाइए तो आपका लिखावट जो है वो दाहिने तरफ से मिलके नजर आएगा। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों कंट्रोल एस सेव के लिए। कंट्रोल एस अगर आप दबाते हैं तो सेव करने का मैसेज आ जाएगा। जैसे चलिए दूसरे फाइल पे चलते हैं। कंट्रोल एस हमने दबाया और ये देखिए सेव का ऑप्शन आ गया। यहाँ से आप अपना ब्राउज करके लोकेशन चुन सकते हैं। लोकेशन चुनने के बाद नाम डालिए और सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपकी फाइलें सेव हो जाएंगी। बैक वापस आ जाते हैं अपने शॉर्टकट वाले फाइल पे। इसके बाद है कंट्रोल टी क्रिएट ए हैंगिंग इंडेंट। ये इंडेंट तैयार करता है लेकिन कैसा हैंगिंग, इस पे हमने क्लिक किया और कंट्रोल टी अगर हम दबाते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से हैंगिंग इंडेंट तैयार हो रहा है। कंट्रोल क्यू करके आप इसके फॉर्मेट को रिमूव भी कर सकते हैं। वापस आते हैं। इसके बाद है कंट्रोल यू, ये अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे इसे मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल यू अगर दबाएंगे तो इस पे एक अंडरलाइन लग जाएगा। वापस हटाने के लिए सेलेक्ट करके कंट्रोल यू दबाने से अंडरलाइन का फॉर्मेट हट जाएगा। कंट्रोल भी पेस्ट फॉर्मेट, जो अभी हमने आपको बताया था कि कंट्रोल भी करने से जो कुछ भी आपने कंट्रोल सी के द्वारा किया हो अर्थात कॉपी किया हो वो आप पेस्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप कट करते हैं तो उसे भी कंट्रोल वी के द्वारा पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू शॉर्टकट से आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन क्या होता है, तो जो ये फाइलें हैं जो आप देख रहे हैं इसे डॉक्यूमेंट कहते हैं और ये जो वर्ड खुला हुआ है इसे हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आ जाता हूँ दूसरे वाले डॉक्यूमेंट पे, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू दबाता हूँ तो ये बंद हो जाता है हमारा डॉक्यूमेंट। कॉन्सेप्ट किया मैंने, मेरा डॉक्यूमेंट बंद हो गया, एप्लीकेशन चालू रहेगा। अगर वापस हम इसे भी बंद कर देते हैं, जैसे मैंने कंट्रोल डब्ल्यू दबाया और इसे चलिए कॉन्सेप्ट सेव ही कर देते हैं, ये बंद हो गया लेकिन अभी तक हमारा वर्ड खुला हुआ है, ये जो पेज बंद हुआ इसे ही कहते हैं डॉक्यूमेंट। वापिस ओपन करना है तो कंट्रोल ओ दबाएंगे तो ओपन का आ जाएगा। यहाँ पे हम क्लिक करके अपने फाइलों को तुरंत ओपन कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करके हम वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ हम अभी लास्ट टाइम थे।
तो आपने ये देख लिया, कंट्रोल ओ का इस्तेमाल भी देख लिया, आपने कंट्रोल यू का देख लिया, कंट्रोल वी का देख लिया और कंट्रोल डब्ल्यू का भी देख लिया। अब बात करते हैं कंट्रोल एक्स की। तो एक्चुअली में ये कट का काम करता है। अगर आप किसी चीज को यहाँ से मूव करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहाँ से हम इस लाइन को यहाँ से मूव करना चाहते हैं, जिसे हमने सिलेक्ट किया और कंट्रोल एक्स दबाएंगे तो ये देखिए यहाँ से मूव हो गया। इसके बाद आप जहाँ इस चीज को ले जाना चाहते हैं वहाँ कर्सर को क्लिक कीजिए और कंट्रोल वी प्रेस कीजिए तो वहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा, या तो राइट क्लिक करके भी आप पेस्ट ले सकते हैं। फिलहाल हम अंडू कर देते हैं जिससे ये वहीं का वहीं आ जाए। कंट्रोल वाई से रेडू का काम होता है, जो अंडू हुआ उसको रिपीट कर सकते हैं। कंट्रोल वाई करेंगे तो ये देखिए वापस चला गया और कंट्रोल जेड से अंडू होता है। तो ये थे दोस्तों कंट्रोल की के साथ वर्ड के ए से जेड तक के सारे शॉर्टकट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा और अब आप वर्ड में काफी अच्छे से काम कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप अपने क्वेश्चन को ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं और शॉर्टकट्स के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारे कम्युनिटी टैब पे पहुंच सकते हैं। इसके लिए आप जिस वीडियो को देख रहे हो उसके नाम पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे जैसे GSCG टेक लिखा हुआ है इस पे क्लिक कीजिए, उसके बाद कम्युनिटी पे आ जाइए तो आपको कम्युनिटी का पूरा टैब नजर आएगा। यहाँ पे पर डे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है आज कि LU का पूरा नाम क्या होता है। इसी तरह से पहले मैंने शॉर्टकट्स वगैरह दे रखे थे वर्ड के, बहुत सारे टैली के शॉर्टकट्स दे रखे थे, तो आप रेगुलर इसमें भाग ले सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको जो ऑप्शन सही लगे, जैसे LU का पूरा नाम क्या होता है तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर ये है तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। बस इसी तरह से अगर दूसरा चाहिए दूसरे पे आप क्लिक कर सकते हैं। जब तक आप सबमिट नहीं करते तब तक ये कर सकते हैं। अगर आप कमेंट डालना चाहते हैं अर्थात कुछ और भी बताना चाहते हैं तो आप कमेंट भी लिख के यहाँ से कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा और अगर आप कम्युनिटी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके नॉलेज हमेशा अपडेट रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों आप देखते रहें, सीखते रहें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। और अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। बाय, टेक केयर, जय हिंद।